हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपना जीवन परिचय किसका, उस्ताद फयाज खां का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आप इसको चाहे तो पैराग्राफ, अलग अलग पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं या फिर एक साथ भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी पैराग्राफ वाले तरीके से, इससे आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जन्म परिचय। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपके सारी जितना भी इसके अंदर कंटेंट लिखा है, ये मैंने आपकी बुक संगीत आनंद से लिया है, तो आप वहां जाके टैली भी कर सकते हैं। जन्म परिचय। उस्ताद फयाज खां का जन्म 1886 को आगरा के निकट सिकंदरा में हुआ। हमें जन्म परिचय में क्या बताना है, कहाँ उनका जन्म हुआ, आगरा के निकट सिकंदरा में हुआ। आपके पिता का नाम सफदर हुसैन था। पिता के जल्दी परलोक सिधार जाने के बाद आपका पालन पोषण उनके नाना ने किया। 5 साल से 25 साल की उम्र तक नाना ने आपको संगीत की शिक्षा दी। तो मतलब पहले उनको संगीत, पिता के परलोक सिधार गए थे उनके जल्दी, तो इसलिए उनके नाना जी ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें संगीत की शिक्षा भी उनके नाना जी ने ही दी। हम देखते हैं उनके संगीत की दुनिया में प्रगति कैसे हुई। फयाज खां बचपन से ही अच्छा गाने लगे थे। हर संगीत सभा में आपका प्रभाव अच्छा पड़ रहा था। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं वो नोट्स भी अवेलेबल आपको करा दूंगी। तो क्या पढ़ा हमने, फयाज का बचपन से ही अच्छा गाने लगे थे, हर संगीत सभा में आपका प्रभाव अच्छा पड़ रहा था, मैसूर के महाराजा आपके गायन से बहुत अधिक प्रभावित थे। कहाँ के महाराजा, मैसूर के महाराजा, फयाज के मतलब गाने से बहुत अच्छा लग रहा था उनको उनका गाना। बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव ने आपको अपने दरबार में दरबारी गायक नियुक्त कर लिया। कहाँ के महाराजा ने किया था, बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें क्या करा लिया था, दरबारी गायक नियुक्त कर लिया था। कुछ समय बाद महाराज से आज्ञा लेकर आप मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ में प्रोग्राम करने लगे। उसके बाद क्या करना था उन्होंने, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और लखनऊ सारी मेट्रो सिटीज में क्या करने लगे, प्रोग्राम करने लगे। फिर लाहौर रेडियो स्टेशन से अपना प्रोग्राम देकर श्रोताओं को आनंद विभोर किया। अब हम देखते हैं कि वो कैसा गाते थे। तो हम देखते हैं गायन, आप काफी नीचे स्वर से गाते थे, आपकी आवाज में भरावट बहुत थी और आवाज जोरदार भी बहुत थी, आप नोम तोम का आलाप करते थे। तो समझ आएगी, वो बहुत नीचे स्वर में गाते थे और उनकी आवाज में बहुत ज्यादा भरावट थी और आवाज बहुत ज्यादा जोरदार भी थी। बीच बीच में तू ही अनंत हरी भी कभी कभी गाते थे, मतलब ये उनका संगीत, जो भी संगीत था ये, तू भी अनंत हरी भी गाते थे। आप एक अच्छे रचनाकार भी थे, अपनी रचनाओं में अपना नाम प्रेम प्रिया लिखते थे। क्या नाम लिखते थे, प्रेम प्रिया, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। अपनी रचनाओं में अपना नाम प्रेम प्रिया लिखते थे और गाते थे। आपके ताने बहुत सुंदर, स्पष्ट और तैयार होती थी। राग ज्ञान बहुत बढ़िया था, उनको राग के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। राग तोड़ी, ललित, रामकली आदि उनके प्रिय राग थे। तो ये हो गया हमारा गायन में, हमने बता दिया कि क्या क्या वो गाते थे, कैसे गाते थे, क्या अपना नाम लिखते थे, ये हमने सब कुछ इसमें बता दिया। हम देखते हैं उनका शारीरिक परिचय कि वो दिखने में कैसे लगते थे। आप जब स्टेज पर आते थे तो देखते ही ऐसा लगता था कोई पहलवान गायक आ गया है। उनका कद 6 फुट था, तंदुरुस्त भरा हुआ शरीर था, बड़ी बड़ी मूछें थी, दूर से ही पहचान करवा देती थी। मतलब उनका ऐसा शरीर था कि उनको दूर से ही देखते ही पहचान में आ जाते थे। 20वीं सदी में इस गायक को बहुत अधिक सम्मान मिला। तो हम देखते हैं निधन, इनका निधन कैसे हुआ। आपके शिष्य में प्रसिद्ध नाम पंडित लताफत हुसैन और शराफत हुसैन के आते हैं। ये बहुत ईजी नाम है, लताफत हुसैन और शराफत हुसैन। 64-65 साल की आयु में ये रंगीला गायक 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में इस दुनिया को अलविदा कह गया। तो कब इनका निधन हुआ था, आपको डेट जन्म की भी और मरण की भी अच्छे से याद रखनी है। कब हुआ था, 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में। तब मैं होप करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।